लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी एक मोनालिसा है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के किशनगढ़ रीजन की राधा बनी ठनी पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। ये पेंटिंग निहाल चंद ने बनाई थी, जो कि किशनगढ़ के महाराजा सावन सिंह के कोर्ट के पेंटर और पोएट थे। इस पेंटिंग को राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स की सबसे बेहतरीन पेंटिंग माना गया है। इस पेंटिंग में जिस औरत को दिखाया गया है वो महाराजा सावन सिंह के कोर्ट की सिंगर थी, जिनका नाम विष्णुप्रिया था। सावन सिंह को विष्णुप्रिया से प्यार हो गया और वे उनकी पत्नी बन गई। विष्णुप्रिया शादी के बाद बहुत खूबसूरती से तैयार होकर रहती थी, इसलिए उनका नाम बनी ठनी पड़ गया। महाराजा सावन सिंह कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो निहाल चंद से ज्यादातर राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर पेंटिंग्स बनवाया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि निहाल चंद सावन सिंह और बनी ठनी को अपनी पेंटिंग्स में राधा और कृष्ण के रूप में दिखाया करते थे। इस पेंटिंग में बनी ठनी की आर्च्ड आईब्रोज, खंजन पक्षी जैसी आंखें और एक तीखी नाक और चिन्ह दिखाए गए हैं, जिसको किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के मेन फीचर्स भी माना गया है। 1973 में भारत सरकार द्वारा एक स्टैंप इशू करवाई गई थी, जिसमें राधा बनी ठनी को फीचर किया गया था। दोस्तों, हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लूप स्टोरीज को।